Welcome students in today's video. Our today's topic is general entries for outstanding and prepaid expenses. आज का जो हमारा टॉपिक है वो आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड एक्सपेंसेस पे है। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि कोई भी एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग कब होता है और प्रीपेड कब होता है। देखिए, नॉर्मली जो एक्सपेंसेस होते हैं उन्हें हम तीन भागों में उनकी पेइंग कंडीशन के हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं कि या तो वो एक्सपेंस फुल्ली पेड होगा, या वो एक्सपेंस पेड नहीं होगा, या आपने उसे पेड इन एडवांस, आपने एडवांस में ही कोई खर्चे का पेमेंट किया हुआ होगा। तो अकाउंट्स के अंदर हम इन्हें किस किस टर्म से जानते हैं। देखिए, जो आप पेड कर देते हैं तो वो नॉर्मल एक्सपेंस हो गया, क्या भाई पूरा का पूरा एक्सपेंस आपने पे कर दिया। जैसे मान लो सैलरी है या रेंट है, तो यानी सिर्फ सैलरी या रेंट लिखा हुआ है तो मतलब आपने पूरा जितना बनता था उतना आपने पे कर दिया है। नॉट पेड है तो यानी वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहलाता है कि मान लो आपने सैलरी है 10 महीने की पे करी है, वैसे 12 महीने की पे करनी होती है, पूरे साल भर की अकाउंटिंग होती है, 2 महीने का जैसे आउटस्टैंडिंग हो जाएगा। नॉट पेड जो भी एक्सपेंस होगा वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहलाएगा। और आपने एक्सपेंस अगर एडवांस में पे कर दिया है कि मान लो इस साल का तो था ही था, अगले साल के पीरियड के लिए भी आपने खर्चा कर दिया है, तो वो आपका प्रीपेड एक्सपेंस कहलाता है। जैसे मान लो सैलरी आपको मार्च तक की देनी थी लेकिन आपने अगले साल जून तक की सैलरी दे रखी है, तो वो 3 महीने का जो आपने दे रखा है वो एडवांस सैलरी कहलाएगा आपके। तो कहने का मतलब 31 मार्च तक के जो खर्चे आपने कर दिए हैं वो पेड एक्सपेंसेज हैं, जो खर्चे 31 मार्च तक के हैं लेकिन आपने पे नहीं करे हैं वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहलाते हैं, और जो खर्चे आपने 31 मार्च को जो आपका ईयर एंड हो रहा है उसके आगे के पीरियड के लिए भी कर दिए हैं तो वो आपका प्रीपेड एक्सपेंस कहलाता है आपका। अब जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होता है अकाउंट्स के अंदर वो आपकी लायबिलिटी है, इनका बैलेंस क्रेडिट होता है, क्योंकि देखो आपको पे करना है, जिनको भी पे करना होता है उनका बैलेंस क्रेडिट होता है, वो हमारी लायबिलिटी कहलाते हैं। और प्रीपेड इसका जस्ट रिवर्स है, प्रीपेड हमारी एसेट की तरह ट्रीट होता है क्योंकि आगे हमें उस खर्चे को कम करना है, क्योंकि कुछ अमाउंट आपने अगले साल के लिए एडवांस में ही पे कर दिया है आपने, तो ये हमारी एसेट्स है और इनका बैलेंस डेबिट होता है। तो जो नॉर्मल एक्सपेंस है वो आपके नॉमिनल अकाउंट कहलाते हैं। अब क्योंकि देखिए, जो आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है या प्रीपेड एक्सपेंस है ये आपका लायबिलिटी या एसेट को बताता है, तो ये आपके रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहलाते हैं। ध्यान देना आपको, जब भी खर्चों के आगे आप आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड वर्ड लगा देते हैं तो ये आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहलाता है। ये कहने का मतलब ये नॉमिनल अकाउंट जो नॉर्मली पे कर देते हो आप, अगर नॉमिनल अकाउंट आपका एडवांस में है या ड्यू है तो ये आपका पर्सनल अकाउंट में कन्वर्ट हो जाता है आपका। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो आइए इनका जनरल मीनिंग भी देख लेते हैं अपन। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को आप क्या कहेंगे? दीज आर द एक्सपेंसेस विच शुड हैव बीन पेड ड्यूरिंग द करंट ईयर बट विच हैव नॉट बीन पेड, सो इट इज आर लाइबिलिटी विच विल बी पेड इन फ्यूचर। सीधा सा मतलब है कि खर्चा जो आपको पे कर देना था लेकिन आप पे नहीं करा है आपने, तो ये आपकी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहलाता है। यानी 31 मार्च तक का जो भी आपका खर्चा है वो पे हो जाना चाहिए। अगर आपने उसका बेनिफिट तो ले लिया है लेकिन कैश में उसको पे नहीं करा है तो वो आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहलाता है। इसी का रिवर्स है प्रीपेड एक्सपेंसेस। दीज आर द एक्सपेंसेस विच हैव बीन पेड ड्यूरिंग द करंट ईयर इन एडवांस फॉर द नेक्स्ट ईयर। यानी आपने करंट ईयर के अंदर ही नेक्स्ट ईयर के लिए आपने जो खर्चा कर दिया है वो आपका प्रीपेड एक्सपेंस कहलाता है। वी हैव टू इनकर लेस एक्सपेंस नेक्स्ट ईयर, इट इज ट्रीटेड एज एसेट। अब अगले साल हमें खर्चा थोड़ा कम करना पड़ेगा क्योंकि आपने पहले ही एडवांस में कर दिया है, तो ये आपका एसेट्स की तरह ट्रीट होता है। तो ये आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड का मीनिंग है आपके। नेक्स्ट देखिए, जनरल एंट्री कैसे करेंगे आप? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि आउटस्टैंडिंग जो एक्सपेंस होता है वो आपकी लायबिलिटी होती है, तो देखिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो भी होगा आपका, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, वो आपको क्रेडिट करना होता है, और सेम वही एक्सपेंस अकाउंट आपको डेबिट करना होता है क्योंकि खर्चा था। खर्चा अगर आप कैश में पे कर देते तो एक्सपेंसेज अकाउंट या टू कैश होता है। यहां पे आपने खर्चा ड्यू रह गया है, पे नहीं करा है, तो कैश को हटा करके हम क्या करेंगे? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कर देंगे। अब यहां ही ध्यान देना, देखिए जब पर्सनल अकाउंट होता है तो हम आप उसमें नाम लिखते हैं, लेकिन रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल में हम व्यक्ति का नाम नहीं लिखते हैं, उसी खर्चे को आप आउटस्टैंडिंग वर्ड लगा करके आप शो करते हैं। तो ध्यान देना, जब भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो आपको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को क्रेडिट कर देना है और वही रेस्पेक्टिव एक्सपेंस अकाउंट आपका डेबिट होगा। तो एक्सपेंसेज अकाउंट या टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट, और ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आपकी लायबिलिटी है, नरिशन हो जाएगी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एंट्री डन। सेम प्रीपेड एक्सपेंस ही आपको करनी है,
है, प्रीपेड एक्सपेंस आपका एसेट होता है, तो प्रीपेड एक्सपेंसेज अकाउंट या टू एक्सपेंस अकाउंट ये आपका एसेट्स है। यानी कुल मिला के यही है कि आपको अमाउंट देख लेना है कि प्रीपेड एक्सपेंस का कितना है, तो वो डेबिट हो जाएगा, अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है तो वो आपका क्रेडिट हो जाएगा, और वो उसी अकाउंट के अंदर फिर आपको दूसरे अकाउंट को एडजस्ट करना होता है। जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लिखा है तो ऊपर भी वही एक्सपेंस आएगा, प्रीपेड एक्सपेंस लिखा है तो नीचे वही एक्सपेंस आएगा। अब आइए जनरल एंट्री में मैं आपको प्रैक्टिकली करके बता देता हूं कि इस एंट्री को आपको कैसे डील करना है। देखिए जैसे है सैलरी ड्यू टू अकाउंटेंट ₹30,000, यानी अकाउंटेंट है आपके, उनके आपको सैलरी है ₹30,000 की जो आपने नहीं दी है, ड्यू है वो आपकी, यानी आउटस्टैंडिंग सैलरी है, तो आप क्या एंट्री करेंगे? देखिए जनरल का फॉर्मेट हो गया, मैंने कहा था जो आउटस्टैंडिंग होता है वो आपकी लाइबिलिटी है, क्रेडिट बैलेंस होता है तो आउटस्टैंडिंग सैलरी। अब ये क्या, ये सैलरी डेबिट हो जाएगा आपके। देखिए सैलरीज अकाउंट दिया 30,000 तो आउटस्टैंडिंग सैलरी 30,000 और ये आपकी नरेशन होगी सैलरी आउटस्टैंडिंग टू अकाउंटेंट। देखिए अगर आप कैश में पे करते हैं तो आपकी ये आउटस्टैंडिंग होती नहीं, आप एंट्री करते सैलरीज अकाउंट दिया टू कैश। मैंने आपको पहले भी बता रखा है अगर उधार का ट्रांजेक्शन होता है तो कैश हटाइए और उधारी का नाम लिख दीजिए। तो देखिए नॉमिनल अकाउंट में व्यक्ति का नाम नहीं आता है, हमें उसी खर्चे के आगे आउटस्टैंडिंग लगा देना होता है, तो ये आउटस्टैंडिंग सैलरीज अकाउंट हो गया आपकी। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। देखिए आउट ऑफ रेंट पेड दिस ईयर ₹5,000 इज रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर, आपने को रेंट पे किया उसमें रेंट अगले साल का भी दे दिया आपने ₹5,000 का, तो आपका प्रीपेड एक्सपेंस हो गया ये। तो देखिए प्रीपेड रेंट आपका डेबिट हो जाएगा और वो का रेंट आपका क्रेडिट हो जाएगा, नरेशन हो जाएगी आपकी रेंट पेड इन एडवांस। तो इस तरह से ही आपकी देखिए प्रीपेड रेंट की एंट्री हुई। कहने का मतलब बहुत आसान है, आपको सिर्फ ये देखना है कि कितना आउटस्टैंडिंग होता है या कितना प्रीपेड होता है। आउटस्टैंडिंग का आप क्रेडिट कर दीजिए और प्रीपेड को आप डेबिट कर दीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। देखिए इंटरेस्ट पेड फॉर 11 months ₹22,000, इट वॉज फॉर 12 months। देखिए आपका जो इंटरेस्ट था वो 12 मंथ्स का था, बट आपने पे करा है सिर्फ 11 महीने का। अब यहाँ पे है ये आउटस्टैंडिंग हमें पता पड़ गया, 11 महीने का ही पे किया है, पे 12 महीने का करना था। फर्क सिर्फ इतना है कि आपने इसमें अमाउंट एक महीने का कुछ इक्वेशन में दिया हुआ नहीं है, वो एक महीने का अमाउंट आपको निकालना है। तो कैसे निकालना है? देखिए आपने 22,000 पे करा है कितने महीने का? 11 महीने का। तो आपने जैसे 11 से डिवाइड किया तो 2,000 आ गया, यानी एक महीने का इंटरेस्ट आपका ₹2,000 बनता है। और आपको निकालना कितने महीने का ड्यू है? एक महीने का ड्यू निकालना, यानी हमारा ₹2,000 का इंटरेस्ट आ गया जो कि ड्यू है। अब आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट आपको पता ही है क्रेडिट करना होता है। तो देखिए अब ध्यान से समझना एंट्री, थोड़ा ध्यान से समझना। देखिए टू कैश आपने लिखा हुआ है क्वेश्चन में, इंटरेस्ट पेड फॉर 11 months 22,000 टू कैश, यानी पैसा हमारे पास से कितना चला गया कैश 22,000, इसमें ₹2,000 का आपका आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है। तो टू कैश अकाउंट 22,000, टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट 2,000, इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो टोटल इंटरेस्ट का खर्चा आपका साल भर का कितना होगा 24,000। ये आपकी नरेशन हो जाएगी इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग फॉर 1 month, आपका इंटरेस्ट पेड एंड इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग फॉर 1 month, इस तरह से आपकी नरेशन हो जाएगी। तो समझ लीजिए आप थर्ड एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें एक तरीके से कंबाइंड एंट्री करी है, जितना पे करा है वो कैश में डाल दिया है, जितना आउटस्टैंडिंग था वो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट में डाल दिया, दोनों को जोड़ करके मैंने पहले कहा था इंटरेस्ट टोटल 24,000 हो गया। कहने का मतलब ये कि हम खर्चा तो पूरा दिखाते हैं, अब जो खर्चा कैश में था वो टू कैश कर दिया, जो उधारी में था वो टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट में डाल दिया। टोटल खर्चा पूरे साल भर का लिखना होता है हमें बिजनेस में, चाहे आप कैश में पे करें चाहे नहीं करें। आइए नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं। इंटरेस्ट पेड ₹12,000 फॉर ईयर ऑन 1 सितंबर 2019। अब देखिए यहां ध्यान दीजिए, आपने 1 सितंबर 2019 को इंटरेस्ट के ₹12,000 पे करे हैं, लेकिन साल भर के पे करे हैं आपने ऑलरेडी ₹12,000 का इंटरेस्ट जो है वो आपने साल भर का पे कर दिया है। देखिए और ऑन 1 सितंबर 2019, तो यानी यहां पे ये जो इक्वेशन है ये आप अगले साल तक का पे है। हालांकि देखिए क्वेश्चन थोड़ा स्पेसिफिक नहीं है, पर मैं कर दूं आपको इस लाइन का जो एंट्री बनाई गई है वो इस तरह से बनाई गई है कि इसका मीनिंग है कि आपने 1 सितंबर से अगले 31 अगस्त 2020 तक का इंटरेस्ट आपने पे कर दिया। इस लाइन का मतलब ये निकलता है, कहने का मतलब थोड़ा सा लिखते वक्त प्रॉपर वर्ड नहीं आ पाए, सॉरी फॉर दैट। तो इंटरेस्ट पेड ₹20,000 फॉर ईयर एज ऑन 1 सितंबर 2019, यानी 1 सितंबर 2019 को आपने इंटरेस्ट जो पे करा है वो अगले साल का है। यहाँ पे फॉर नेक्स्ट ईयर भी लिखना था जो वर्ड नहीं आ पाए, तो यानी ये प्रीपेड एक्सपेंस की इक्वेशन। अब किस तरह से प्रीपेड हम इक्वेशन बना लेते हैं, देखिए 12 मंथ्स में आपको डिवाइड कर देंगे अपन, टोटल इंटरेस्ट 12 मंथ्स का है। इसमें देखिए 7 महीने तो आपका इस साल का है और 5 महीने आपका प्रीपेड है। देखिए कैसे प्रीपेड है, देखिए सेप्टेम्बर को आपने इंटरेस्ट पे करा है, तो सेप्टेम्बर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, 7 महीने तो इसी साल का इंटरेस्ट हो गया। अब मार्च के बाद में अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, सितंबर नहीं लेंगे अगले साल, क्योंकि 1 सितंबर को ही पूरा नया साल स्टार्ट हो जाएगा वापस। तो ये 5 महीने का आपका देखिए इसमें प्रीपेड बनता है। तो प्रीपेड का आप अमाउंट निकाल लेंगे, देखिए ₹12,000 आपने पे करे हैं, 12 से डिवाइड करेंगे तो ₹1,000 एक महीने का इंटरेस्ट आ गया आपके, इंटू हमें 5 महीने का चाहिए, तो ये ₹5,000 का आपका क्या हो गया, प्रीपेड इंटरेस्ट हो गया। मैं फिर कह रहा हूं मैंने यहां पे प्रीपेड इंटरेस्ट की इक्वेशन ली थी, क्वेश्चन स्पेसिफिक नहीं लिख पाए,
पर है प्रीपेड की इक्वेशन ये। आइए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए अपन, देखिए आपने कैश तो 12,000 पे करा है, इस 12,000 के अंदर देखिए हमने प्रीपेड का अमाउंट निकाल लिया, 5,000 रुपए आया है ऊपर, तो प्रीपेड इंटरेस्ट डेबिट हो गया 5,000 रुपए, बाकी जो बचा वो 7,000 रुपए नॉर्मल इंटरेस्ट में चला गया और ये आपकी फिर इससे जनरल एंट्री हो जाएगी। समझ गए आप, टोटल 12,000 आपने पे करा। कई बार प्रीपेड इंटरेस्ट को इस तरह से भी करना होता है कि आप जैसे ही आप अमाउंट पे करें उस वक्त ही आप प्रीपेड को अलग कर ले, कहने का मतलब बाद में नहीं करें, पहले ही कर लें जैसे एंट्री हुई। तो आपने टोटल कैश 12,000 दिया, आपने इमीडिएटली 5,000 रुपए प्रीपेड इंटरेस्ट का अलग कर दिया और 7,000 रुपए का जो नॉर्मल इंटरेस्ट था वो इंटरेस्ट अकाउंट में डाल दिया। या आप चाहें तो इसकी दो एंट्री कर सकते हैं कि आप पहले तो जो पे करा है वो आप पूरा लिख दीजिए, टू कैश 12,000, हाँ भाई इंटरेस्ट का हमने पूरा 12,000 पे करा, नॉर्मल एंट्री जो होते हैं, और फिर 31 मार्च को जाकर के आप प्रीपेड इंटरेस्ट का अकाउंट अलग से बना ले। तो इस 12,000 में से आप प्रीपेड इंटरेस्ट का अलग कर लेंगे 5,000, जो आप नॉर्मल एंट्री करते हैं, टू इंटरेस्ट अकाउंट 5,000। नॉर्मली हमने ये सेकंड जो थर्ड एंट्री करी है वही एंट्री अभी तक करते हुए आए हैं, लेकिन ये दोनों तरीके से ही होती है। आप इमीडिएट अलग कर देंगे तो इमीडिएटली प्रीपेड इंटरेस्ट का अकाउंट खोल लीजिए, और आप इमीडिएट नहीं खोलते हैं तो पहले पूरे इंटरेस्ट से एंट्री कर दीजिए जो मैंने करी, इंटरेस्ट अकाउंट या टू कैश 12,000, फिर 31 मार्च को जाकर आप एडजस्टमेंट एंट्री कर दीजिए। इस 12,000 में से फिर हमें पता चला कि 5,000 तो प्रीपेड का है, तो प्रीपेड इंटरेस्ट डेबिट होता है, तो इंटरेस्ट डेबिट कर दिया और टू इंटरेस्ट आपका क्रेडिट हो गया। तो ये इस तरह से आपके आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड एक्सपेंस की एंट्रीज हम करते हैं। देखिए आई होप आपको जो जितने भी मैंने एग्जाम्पल लिए हैं, इक्वेशंस लिए, आपको समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में हम इतना ही लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।